ओके तो यार बॉलीवुड प्लस टॉलीवुड की एक और मूवी गॉडफादर। अब सबसे पहले इस मूवी को जो भी देखने के लिए जा रहा है फेस्टिवल के टाइम पे उसको हैट्स ऑफ, साथ ही साथ सॉरी। अब गॉडफादर मूवी इंस्पायर्ड है गॉडफादर दारू से, क्योंकि मूवी को देखने के बाद यही लगेगा कि भाई किसी ने दारू पीने के बाद इस मूवी को बनाया है। मूवी का रन टाइम 1 घंटे 30 मिनट का था, लेकिन इस मूवी को 2 घंटे 37 मिनट का जानबूझ के बनाया गया है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया। साला बात बात पर स्लो मोशन, सीरियसली इस मूवी को तुम लोग देखोगे हर एक चीज में स्लो मोशन। एक्शन कर रहा है स्लो मोशन, अगर गन गुजार रहा है तो स्लो मोशन, कुछ और कर रहा है स्लो मोशन। मेरा दिमाग भी स्लो हो गया गांजा मारने के बाद, जैसे इंसान का दिमाग स्लो हो जाता है सेम मेरा भी वही हाल है। वेल मूवी में दो बड़े एक्टर है, चिरंजीवी सर और सलमान खान सर। अब चिरंजीवी साउथ के बहुत बड़े एक्टर है, उनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कोई फैन नहीं हूँ लेकिन हाँ रिस्पेक्ट था, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद रिस्पेक्ट थोड़ा सा डाउन हो गया है। बात करूँ सलमान खान के बारे में, देखो सलमान खान के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ वो अलग बात है कि दोनों एक्टर ने मिलकर मूवी की गांड मार दी है, लेकिन फिर भी सलमान खान का फैन मैं इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे को न्यूटन नहीं पसंद है। अब सब कुछ साइड करने के बाद अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो देखो साउथ वाले को अपना काम करना चाहिए, अपना टेक्निक के साथ से मूवी निकालना चाहिए जिस तरह से वो लोग मूवी निकाल रहे थे, और बॉलीवुड वालों को अपने ऊपर काम करना चाहिए, मूवीज के ऊपर डिफरेंट स्टोरीज लाना चाहिए, रोमांटिक को छोड़ के, रोमांटिक भांग भोसड़ा ये सब छोड़ के कुछ अलग ट्राई करना चाहिए और अलग टाइप की मूवीज बनाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जब बॉलीवुड टॉलीवुड मिलके कोई मूवी बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर चुतियाब निकल जाता है। लाइगर मूवी भी देख लो बेस्ट एग्जांपल, इतनी बड़ी मूवी लेकिन चुप गई भाई मूवी, पूरी एकदम थिएटर में चुप गई। अब मैंने सोचा था कि इस मूवी का एकदम लाइटली रिव्यू करूंगा अगर मूवी अच्छी होगी, लेकिन भाई इतना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ा, वो भी फेस्टिवल का टाइम पे मैं इस मूवी को देखने के लिए गया सब कुछ छोड़ छाड़ के, और फिर ये बकचोदी देखने के बाद भाई दिमाग का भोसड़ा खराब हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत गाली निकल जाता है। कोई भी एक्टर या फिर कोई भी राइटर डायरेक्टर जो भी है, जितने भी लोग मूवी बनाते हैं एक मूवी को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए भाई उनके पास क्या ऑप्शन नहीं है। इतने सारे पैसे वो लोग लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स को वो लोग कास्ट कर रहे हैं और फिर भी इस तरह से हक देते हैं भाई। ऑब्वियसली भाई एक्टर भी कोई अगर स्क्रिप्ट चूज करता है तो स्क्रिप्ट के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाई ये स्टोरी अभी के टाइम पे चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब कुछ भी अंधों की तरह पैसा मिल रहा है तो भाई मूवी चेप दो। ऑल्सो स्पेशली अगर मैं इस मूवी की स्टोरी की बात करूँ, वैसे मैं बोलने वाला नहीं था, एज एक्सपेक्टेड मेरे को लगा ही था कि कहीं ना कहीं से छपा छपी किया है, कॉपी मारा है, तो इस मूवी का भी स्टोरी को टापा है साउथ की ही मूवी से, लूसीफर नाम है उस मूवी का। मतलब भाई क्या बोलूँ, अभी भी 2022 में हम लोग जी रहे हैं, अवतार जैसी मूवी दिसंबर में आने वाली है और फिर ये हालत देख लो, यही हाल अभी तक कॉपी ही चल रहा है। और पता है इस मूवी को देखते टाइम दिमाग खराब क्यों हो रहा था, इस मूवी के स्लो मोशन के वजह से, बात बात पे हर एक जगह पे एक्स्ट्रा स्लो मोशन डाल दिया है। अब देखो स्लो मोशन का भी एक लिमिट होता है कि तुम कुछ कुछ जगह पे डालोगे तो अच्छा लगता है, लेकिन मूवी में भाई हर एक चीज में तुमको स्लो मोशन मिलेगा, हर एक चीज में, जिसकी वजह से भाई दिमाग स्लो हो जाता है एक टाइम के लिए ना, लगता है कि भाई मजबूरी में ये लोग एक्शन कर रहे हैं, स्लो मोशन में जबरदस्ती डाल दिया है। अब ऑनेस्टली बताओ तो ये मूवी अच्छा हो सकता था, मैं मानता हूँ कि स्टोरी कॉपीड है, लेकिन फिर भी मूवी अच्छा हो सकता था अगर स्लो मोशन को थोड़ा सा कम कर देते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत दिखा देते, अपना कुछ खुद का लेके आते तो फिर मूवी अच्छा हो सकता था। सस्ते नशे ना करके थोड़ा सा अगर मेहनत इस मूवी में डाल देते तो भाई मूवी बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता। इनफैक्ट लोग देखने के बाद इंजॉय तो करते लेकिन थिएटर में जाने के बाद एकदम अलग ही नशे में है सब कोई। हाफ टाइम तक तो भाई आधा जनता निकल गया है। एक तो सबसे पहले 3 से 4 लौंडे गए थे देखने के लिए, एक कपल बैठा हुआ था हर एक हमेशा की तरह। मैं जिस थिएटर में जाता हूँ ना, पता है यहाँ पे कपल सिर्फ थिएटर में इसलिए जाते हैं ताकि वो लोग चुम्मा चाटी कर सके, और वही सेम चीज आज भी हो रहा था। फेस्टिवल के टाइम पे भी सालों को फुर्सत नहीं है, तो वो सारा बकचोदी होने के बाद सब कोई थिएटर से निकल ही गया था हाफ टाइम पे। सिर्फ मैं बैठा हुआ था और एक और लौंडा बैठा हुआ था पीछे, उसका भी भाई आग पूरा लाल हो गया था, पता नहीं गंदा मार के आया था कि क्या मार के आया था, उसका पूरा आग लाल हो चुका था और किस लिए वो मूवी देख रहा था पता नहीं। एक टाइम के लिए मेरे को डर लग गया कि भाई वो बाद में आके मेरा गला ना दबा दे। वेल गॉडफादर मूवी अगर तुम लोग देखने के बारे में सोच रहे हो तो फिर सोचो मत, जाके देखो अपने दम पे। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं जा रहा हूं गांजा मारने के लिए, मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में।